अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 19 परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम एक्वास मीडियम, ऐसा मीडियम जो कि वाटर पर मुश्तमिल होगा, एक्वा से मुराद होता है वाटर, सो वाटर मीडियम या एक्वास मीडियम में हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, मतलब एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस होते हुए देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर हैं उनमें बीकर हमें चाहिए और इसके अलावा स्टीरर चाहिए, और केमिकल्स जो हमें चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स चाहिए, इसके अलावा वाटर चाहिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स और वाटर के अलावा हमें आयरन नेल्स भी चाहिए। सो एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से ऑपरेटर्स को। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, ये हमारे पास स्टीरर है, ये हमारे पास आयरन नेल्स हैं, और ये हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है। सबसे पहले आपने डिस्टिल्ड वाटर लेना है बीकर में, ठीक है, और उसके अंदर मैं कॉपर सल्फेट की ब्लू कलर की क्रिस्टल्स डाल रही हूँ। डिस्टिल्ड वाटर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 मैंने लिया हुआ है, ठीक है, बीकर में। सो ये मैंने क्रिस्टल्स जो हैं वो उसमें कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स डाली हैं। अब अच्छे से स्टिर करना है ताकि जो हमारे पास सोल्यूशन बन जाए, ठीक है, होमोजीनियसली दोनों मिक्सअप हो जाए। अब आपने आयरन नेल्स देनी है। यहाँ पे एक प्रिकॉशन मेंशन करूँगी कि आयरन नेल्स को डस्ट फ्री होना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर मिट्टी ना लगी हो, क्योंकि फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। सो अब मैंने कॉपर सल्फेट के जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है उसमें मैं आयरन नेल्स जो कि डस्ट फ्री हैं वो डाल रही हूँ, ठीक है। सो ये मैंने आयरन नेल्स जो हैं वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिए हैं। सो अब आयरन नेल और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के दरमियान रिएक्शन होगा, जिसको हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें आयरन मेटल जो है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस करेगी, और इसकी वजह से आयरन नेल्स का कलर जो है वो पिंक हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये पिंक कलर जो है ये आयरन नेल्स का कैसे हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो हो रहा है, ठीक है। और आप कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसका कलर पहले ब्लू था, तो अब आप देख सकते हैं वो लाइट ग्रीन कलर में जो है वो चेंज हो रहा है। सो ये आप एंड पर देख सकते हैं। अभी जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उसमें हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का, और उसमें हमने डस्ट फ्री आयरन नेल्स डाली थी, ठीक है। और आयरन ने क्या किया, आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को, कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली, ठीक है, और एज अ रिजल्ट कॉपर हमारे पास फ्री फॉर्म में आ गई, ठीक है, सॉलिड मेटल की फॉर्म में। और आयरन ने जब कॉपर की जगह ली तो वो फेरस सल्फेट में चेंज हो गया, ठीक है। सो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो था उसका कलर ब्लू था, और जैसे ही फेरस सल्फेट बनना शुरू हुआ तो ब्लू कलर का सोल्यूशन ग्रीन कलर के सोल्यूशन में चेंज हो गया, ठीक है। सो रिजल्ट हमारे पास जो है वो क्या आया है, हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और उसमें जब आयरन नेल्स डालें तो फिर एज अ रिजल्ट क्या हुआ, आयरन ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस किया, और एज अ रिजल्ट हमें सॉलिड मेटल कॉपर मिली।